डूब जाओगी फिर भाई के साथ कौन लड़ता है? हंडी छोरा हंडी हंडी काम करूंगा, काम के लिए मां बाबू का नाम करूंगा। वेलकम बैक टू नाउ। तो आज वो बहुत ही मजेदार होने वाले, क्योंकि आज मेरा है लास्ट डे स्कूल, उसके बाद है नवरात्रि, उसके बाद हमारी छुट्टियां शुरू हो जाएगी। तो गाइस मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, और जो नीचे जो ये बेल आइकन है उसको दबा दो, फिर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। पर यान को ये टॉय पसंद आ गया, देखो ये टॉय के लिए पीछे पीछे जा रहा है लड़का। चलो चलो चलो, लो पकड़ लिया, टॉय पकड़ने जा रहा है वो तो अपना। अच्छा हाँ, जाने दो, जाओ जाओ, ले लो ले लो। नहीं रोकते, अब नहीं रोकते, उनको नहीं पता था आप टॉय लेने जा रहे हो। लड़का कितना खुश है टॉय देख के। गाड़ी जा रही है, गाड़ी आगे आगे जा रही है, ये पीछे पीछे। देखो कौन पकड़ पाएगा। भाभी आयान ने तो सुबह से 3-4 बार पकड़ लिया इसको। आलू पकड़ के नहीं रखना, किसी को भी दो। ओए तू क्या तोड़ दिया आयान ने, तोड़ दिया आयान ने। आयान ने ये क्या कर दिया? आयान ने टॉय तोड़ना शुरू कर दिया। आयानू देखो अभी तो नया था वो, देखो वो चल रहा है और उसकी ये रह गई मुंडी। तो गाइज आप सभी को पहले नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो, और ये नवरात्रि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां लाए, माता रानी का आशीर्वाद मिले आपको, आपके बच्चों को। ये छोटी सी नन्ही सी परी अभी से नखरे दिखाती है, इसने अभी ना लक्ष्य को जागते देखा, लक्ष्य दी को, और इसने रो के इसको बुला लिया। है टुबू आपने बुला लिया था? देख ला लक्ष्य ये हमने एवे कर दिए, देख रो के सारी चीज मनवा लेंदी अपनी, पूरी रीस कर दी है, पूरी गड्डी रीस कर दी, कर दी डिग भी पैंदी है। इधर देख इन रिमोट ले, टीवी चलांदा पे। अनु भाई मैं चला देता हूँ, जैद मैं चला देता हूँ भाई। तो भाई गोलू का फोन आया था, गोलू ने कहा था कि इसके तुबा के हाथों में ना चूड़ियां चढ़ा के रखना 9 दिन। अब ये क्या करेगी, ये लेगी इसके एक एक मोती निकालेगी, मुंह में डालेगी, फिर मेरे से पिटेगी। अपना हाथ खुद दे रही है चूड़ियां पहनने के लिए, चिलाकू है, सुंदर लग रही है। और पिला दो ये आग का कड़ा, 2-1 में पहन रखा था। ये मेरी लादू रानी के हाथ खाली नहीं होने चाहिए, मेरी मैया रानी के छोटे से बच्चों में होती है मैया रानी, तो ये है हमारी मैया रानी। तो भाई गोलू का कहा कैसे ना सुनू मैं, उसने बोला चूड़िया बनाना, तो इसकी चूड़िया रखी थी। कौन लेके आया था ये चूड़ी? चीकू भाई लाया था। चन 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 बज रही है, चन 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 चन। देखो गाइस देखो, जख्मी कर रही है मुझे, कितना कटा है। टुबू तू तो बहुत गंदी है, तुझे मम्मी से प्यार नहीं है बिल्कुल भी, है? मेरा कवर खा जा, कवर खा जा मेरा गंदी बच्ची। ये देखे ये ऊ कर, उम्मा करो, पप्पी करो, पप्पी करने के लिए वाला काटने के लिए भी पप्पी करो। ये बोल रही है मैं पप्पी कर रही हूँ। ये पप्पी नहीं होती बेटा, मेरे यहाँ पे गले से लगाए इसने, जो तू मम्मा के यहाँ पे कर, मम्मा के यहाँ पे कर, दाना मेरे यहाँ पे दाना, यहाँ करवा लो फिर मैं काटू और उसको। हंस रही है मतलब अभी हम नहीं काट सकते ना। तो गाइस आज फिलहाल 1:30 बज गया सुबह, ना चीकू को स्कूल भेजती हूँ, मैं उठी नहीं थी तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, क्योंकि मेरी 2-3 दिन से नींद ना पूरी नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा कि आज चीकू को सरप्राइज दे देती हूँ, चीकू को स्कूल से पहले के आती हूँ। साथ ही साथ ना बहुत सारे पैकेट हमारे बच गए थे, क्योंकि हमने 100-125 पैकेट बनाए थे बच्चों को देने के लिए, तो चीकू के हाथ से ये भी बंटवा दूंगी। कल 2 भाइयों ने तो बांट दिए थे, आयान और जैद ने, जो बच्चे हैं वो चीकू के हाथ से बंटवा दूंगी। तो गाइस मैं स्कूल के पास पहुंच गई हूं, अब छुट्टी होगी, होगी ना 15 की थे ना, 2-17 हो गए, 18 हो गए, हो गए होगी ना। तो चीकू को लग रहा होगा कि दोनों चाचू में से कोई आया होगा, पर उसे बिल्कुल पता नहीं होगा कि मम्मी आई है, तो मैं जाते हूँ उसे लेके आती हूँ, उसके एक्सप्रेशन आपको आके बताती हूँ या मैं फोन में रिकॉर्ड करती हूँ। तो गाइस मैं स्कूल में पहुंच चुकी हूँ, और चीकू को बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि उसकी मम्मी नहीं आई है, मैंने उसको देख लिया है, सबसे आगे खड़ा है बैग लेके, अपना सारा सामान लेके, देखती हूँ उसके एक्सप्रेशन क्या होंगे। कैसा लगा मेरा सरप्राइज, कैसा लगा? चलो मम्मा को दुआ, तो मम्मा आई है, कैसा लगा? हैं तुझे पता था मम्मा आएगी? पक्का? मैं सुबह उठी नहीं थी ना तेरे लिए, तो मुझे बुरा लग रहा था ना, मैंने कहा मैं जाती हूँ बच्चे के लिए, मैं पकड़ू बैग। क्यों क्यों नहीं पकड़ू? हाँ आपको क्या लगा चच्चू आ रहे? इतना बड़ा हो गया मैं,
बड़ा हो गया दोनों तो आज भी छोटा सा बाबू है। कितने दिन से बोले थे ना मम्मा मेरे को स्कूल लेने आओ, मम्मा मेरे को स्कूल लेने आओ। कितने सालों से बोल रहा हूँ बेटा? 2 साल तो मसा तुझे स्कूल आते हुए। कितने साल क्या हुए? पहले आप प्री नर्सरी में थे, फिर नर्सरी में थे, फिर फर्स्ट में, फिर आप सेकंड में। वहाँ चले क्या बोलते हैं, मैं सबसे पहले वाले स्कूल में, मतलब मेरा वो वाले स्कूल में जहाँ पे आप प्ले स्कूल में पढ़ते रहे। बेटा अभी तो आप यहाँ से निकलते खाना खा के ट्यूशन जाने, तो उसके बाद चलेंगे। उसके बाद तो वो बंद हो जाते हैं। नहीं मैं बात करूंगी ट्यूशन स्कूल में, अगर वो जब खुला होगा ना किसी दिन यहाँ से छुट्टी होगी तो ले चलो। ठीक है ठीक है। राइस छोड़ दिए, छोले छोड़ दिए और ये परांठा भी है। मम्मा पराठे से मैं बोर हो गया हूँ। पराठे से कौन बोर होता है? ले मैं खा के दिखाती तुझे। मैं नहीं खाता पराठा। अब कौन खाएगा भाई चीकू पराठा? मैं खा लूंगा भाभी। हम खा लेंगे। सब खाने के लिए तैयार है, सिर्फ तू है जो कहते हैं बोर हो गया। भाभी रोटी से कोई बोर होता है क्या? रोटी तो मैं खाता हूँ, पराठा नहीं खाता, भाई होता है। तो यहाँ पे भाई सवारी करवा रहा है जैदू को, क्योंकि जैदू उठ के रोने लगा था। फिर चुकू ने कहा मैं खिलाता हूँ। जैदू कैसा लग रहा है भाई की शहर? बड़े गोल गोल चक्कर आ रहे हैं यार, चक्कर ना आ जाए मुझे तुम्हारे पीछे पीछे। हाँ बोलते मैं स्विमिंग पूल जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है चले जाओ, इसको लेके चला। छुट्टी आ जाओ ऐसे भी आपकी ट्यूशन की। नहीं भाई इसको नहीं। ठीक है मम्मा, जो लोकेशन भेजी थी ना स्विमिंग पूल की, ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ स्विमिंग पूल, तो आपको मिलते हैं सीधा स्विमिंग पूल के शॉर्ट्स पे। मैं अभी आ चुका हूँ स्विमिंग पूल में, अभी आपको कुछ दिखाते हैं स्विमिंग। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं स्विमिंग करने। 1 2 3 तो गाइस अब मैं स्विमिंग करते हुए वो हो गया था इरिटेशन, मुंह में पानी चला गया था ना, इसलिए मैं वो कर रहा था ऐसे ही रह जाता है। मैंने मुंह में पानी में खोलता हूँ ना ऐसे ऐसे से रह जाते हैं, इसलिए मैं ऐसे करता हूँ। तो गाइस अब मैं पानी में फ्लोट करने वाला हूँ। तो गाइस बहुत मजा आ रहा है मेरे को, अब कर लो 1 2 3 कैसे नहीं करना होता चक्चू? कैसे करना? कैसे? ठीक है ऐसे पैर मारने। हाँ पैर मारने अंदर ही। अंदर ही? हाँ। अब आप सीखो ऐसे करना। कैसे? तो गाइस ये मेरा दोस्त है, चलो हम दोनों डुबकी मारते हैं। तो गाइस अभी मैं मारने वाला हूँ फ्रंट फ्लिप। तो गाइस अभी हम करने वाले हैं तैरते हैं हम। मैंने अपना चश्मा ही नहीं लगाया, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, तो अब दिख रहा। कैसा लगा आपको? मैं फिल्म मारता हूँ आपको दिखाता हूँ। कैसी लगी हमारी बैकफ्लिप? चलो बैकफ्लिप करते हैं वापस से। तो गाइस हम दोनों ना गेम खेल रहे हैं कि जिसका चश्मा अंदर जाएगा उसको उठा कर लेके आ जाए नीचे से। तो भाई चीकू से नीचे नहीं जाया जा रहा, क्योंकि चीकू ने काफी टाइम हो गया स्विमिंग छोड़ रखी है। मना किया था ना यहाँ पे आने के लिए, डूब जाओगी फिर। बाहर आ जा चीकू भाई, तू बाहर आ जा, बाहर निकल। तेरे को बोला किसने था इधर जाने के लिए? भाई आप ही तो बोल रहे थे। मैं क्यों बोलूंगा? एक बार बता अभी मम्मी को क्या बोलेगा? मैं जाके बताऊंगा अभी मम्मा को कि ये दूसरी साइड गया था जहाँ पानी ज्यादा था और ये पंगे लेता है जानबूझ के। ठीक है भाई आज की बात नहीं करूंगा। चीकू कितना नहाएगा यार? बस बेटा भाई खत्म हो गया, 1 घंटा हो गया, पहले भी डूबता डूबता बचा है, हमको तो गाली पड़वाएगा पड़वाएगा। बाहर आ जा बाहर।
नहीं भाई बहुत हो गया, इतना बहुत है, देख देख उठा के बाहर करना पड़ रहा है। देख चिकू तू बिल्कुल नहीं मानता यार। बस मैं अभी निकल चुका हूँ स्विमिंग पूल से, बहुत मजा आया स्विमिंग पूल में। और मेरा दोस्त भी था, उसका मैंने नंबर ले लिया, जब भी मेरे को बात करनी होगी इससे बात कर लूंगा मैं। और साथ ही साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और नीचे जो बेल आइकन है उसको दबा दो, फिर आपको मिल जाएगी नए नए ब्लॉग की नोटिफिकेशन। तो गाइस अभी हम दे रहे हैं जरूरतमंद को खाने का सामान, जो जो हमको मिलेगा रास्ते में हम उनको देते जाएंगे। तो गाइस हमको 3 बच्चे मिले थे, उनको हमने दिए। जा उन बच्चों को ले जा भाई, मैं जा रहा हूँ बच्चों को देने। ये लो ये लो ये लो। तो चीकू यहाँ पर सभी बच्चों को बांट रहा है खाने का सामान। तो अभी हम जाएंगे घर, चीकू ने छोटे छोटे बच्चों को खिला दिया है खाने का सामान, तो अब हम चलेंगे घर। चले चीकू भाई। तो अभी ये 4 बच्चे उनको दे देते हैं। अंकल ले लो। खत्म। चीकू भाई जो जो बच्चे रह गए अब हम क्या कर सकते हैं, जितने थे हमने सारे। कोई नहीं, नेक्स्ट बार देखेंगे जब कुछ होगा तब देखेंगे, ठीक है यार। बुरा लग रहा है जो जो बच्चे। तूने पहले भी तो बांट दिए ना, तो इसलिए कम थे अपने पास। चले अब घर। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ घर पे, तो अभी मैं खेलता हूँ भाई बहन के साथ। तो गाइस अभी आ गए हैं ब्रेड पकौड़े। पकौड़े ब्रेड पकौड़े क्यों है चीकू भाई? गिर जाएगा यार गाड़ी है चीकू, नीचे गिर तो सीधा चाय पी के जाएगा, चाय से तक जाएगा मुंह। तेरे पापा चाय को लाने के लिए इतना मना करते हैं बच्चों के सामने, और तू नाना का पैर जल गया पूरा, पता है मुझे। तो फिर तू क्यों कर रहा है भाई वो ऐसा काम? तो यहाँ पर हमारा यानू बाल्टी लेके कपड़े उतारने आया है। यानू भाई इधर, ये रहा तौलिया, इसको उतारना टावल को। बाल्टी कहाँ लेके जा रहे हो आप भाई? फेस तो दिखाओ, शर्मा रहे हो क्यों? बाल्टी नहीं दूंगा मैं, नहीं दूंगा। बैठ पकौड़ा कौन खाएगा? कौन खाएगा भाई? बुआ खाएगी भाई। हमारी चटकोरी खाएगी भाभी, चटकोरी बहुत टेस्टी भाभी, बहुत टेस्टी भाभी। अभी ये बोल रहा है मैं बड़ा हो गया हूँ, कपड़े वपड़े लाने हो ना मम्मा, तो मेरे को बता दिया करो, मैं सारे उतार के ले आया करूँगा। बेटा पहले तो अपने कपड़े उतारना सीख ले, रस्सी के कपड़े तो बाद में। बेटी ले सोने, जादू नो जादू। का हुआ? काय काय करो? देखो नाटक नाटक नाटक, उरी उरी बाबा, उरी बाबा, उरी बाबा। देखो 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 कैसे करता भाभी। तो गाइस अभी नीचे में डाले दोस्त, और यहाँ पे मेरे दोस्त, मेरे असली के दोस्त खेल रहे हैं सारे। यहाँ पे इधर उधर मम्मा चिल्ला क्यों रहे हो बेटा? फेनाइल पे हाथ लगा रहा है। चीकू बच्चों के टॉय के साथ क्यों खेल रहा है, क्या कर रहा है ये? भाई चीकू गिर गया, उड़ जा भाई, उड़ जा उड़ जा, लगी तो नहीं भाई? क्यों बच्चों के टॉय के साथ खेलता है? खेल का रहा हूं मैं। अभी गिर गया ना? नहीं अभी खेल लेता अच्छे से। तो गाइस मैं चलाने वाला हूँ बिना देखे गाड़ी को, मैं गिर जाऊंगा। तो भाई ऐसा पंगा ले ही क्यों रहा है? आज मैं बिना देखे गाड़ी चलाऊंगा। जब पता है तेरे को तू गिरेगा तो क्यों ले रहा पंगे? भाभी एक दांत वात तोड़वाएगा। गिर गया ना भाभी? ये लगता है ऐसे नहीं मानेगा, ये दांत वो तोड़वा के मानेगा। इससे टूटेगा चाचा, मैं ही तोड़ दूं मार मार के। बता चीकू अब कैसे तोड़वाना चाहता है बता? बच्चों के टॉय तू, बच्चों का टॉय तूने खराब कर देना है तो क्या करें फिर? भाई ये ब्रेड पकौड़ा किसने खिलाया? नीचे गिर गया। हमारी घर की चटोरी आ गई है, हमारी घर की तुवा रानी, हाई कोर्ट की तुवा रानी, हाई कोर्ट मम्मी, हाई कोर्ट। भाभी ये सभी पे हुक्म चलाएगी अपना, कहने का मतलब उस चीकू का ये मेरी बहन है। तेरे पे तो सबसे पहले चलाएगी, तू बड़ा होगा सबसे। कुछ भी उसको चाहिए होगा कहेगा भैया, बोलेगी मेरे को लगा हुकुम चलाएगी। चिकू ये तेरे को ऐसे बोला करेगी, भैया थोड़े से देना मेरे को रुपया। क्या कर रहे हैं अपने आप पे घूम रहा है? गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं ये तो। वो देख वो देख, देखो देखो अयानू इतनी तेज गाड़ी कौन चलाता है भाई? बैठना ही उठ के चलाने लगता है। बताओ अयान, जैद भी तो बैठा है भाई, गिर मत जाना ध्यान से। देखो कैसे तू पाके लग गई चोट, हाथ त्रे के नीचे आ गया, त्रे के नीचे जोर लगा रहा, अभी हटूंगी तो देखना। अयान ऐसे गिर मत जाना भाई, चोटू लग जाएगी। आराम से आराम से आराम से भाई, गिरते गिरते बचा अभी तुम। देखो 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 शांति दी, ये आपकी ओर भागा आता है, इसको कुछ नहीं पता। वो बच गया,
OMG इसको चलाने की थक गया अब नहीं मानेगा मत चलाओ ना भाई बिल्कुल चलाएगा ये मानते हैं ये तो गाड़ी चलाएगा चलाएगा ड्राइवर बन गया भाभी दी अब आयान बना ड्राइवर पहली बार गाड़ी चलाने के लिए देखो देखो गिर जाएगा आयानू गिर मत जाना भाई ड्राइवर इतने बड़े ड्राइवर आयान क्या खा रहे हो लो तुब्बा भी आ गई दे दो आयान लेके भाग गया तू बेटे आपसे भाई लेके भाग गया ले जाने दो ले लो तुब्बा रोने लग गई ये लड़की तो ये लो आप क्या देख रहे हो जैद ये लो ले लो लड़ाई होगी शांति जी इनको छुड़ा दो ना देखो लड़ पड़े चाबी के लिए तुबू भाई के साथ कौन लड़ता है देखो देखो अब ये दोनों जने लड़ेंगे एक चाबी के लिए अब वो तीसरा भी आ रहा है बेटा मम्मी की फुंसी है वो अरे ये तो नाक है पिटा नहीं करना भाई का ठीक है ना उठा कर रहा है तो मुन्ना बच्चा एक यहाँ पे खड़ी है एक यहाँ पे खड़ा है कुछ समझ नहीं आ रहा इनका एक गाड़ी के पीछे सबकी लड़ाई हो रही है मरम पिटी हो रही है तूबा और आयान दोनों मिलकर मार रहे थे अभी जैद को तो मैं आ गई इधर बचाने के लिए मेरी बेटी को मारो चल भाभी पीछे से वो भी पीट रहा है देखो आनू तुम दोनों मिलकर क्यों मार रहे हो मेरे बच्चों को अलग अलग कर दो इनको अलग अलग भाभी ये दोनों ही मिलके पीट रहे हैं जैद को तो क्यों मार रहे हो जैद को बचा रही मम्मा मेरे को मार रहे थे मैं जैद को बचा रही हूँ तो ओ तुबू इतना कौन मारता है पकड़ो पकड़ो भाई को पकड़ो आप तो भाई को बहुत मार रहे हो चलो भाभी अभी इसको भी पीट रही है गंदी मारती है सबको तो गाइस मम्मा आ चुकी है और कल मेरा मम्मा स्कूल है छुट्टी है हाँ कल मेरी छुट्टी है स्कूल की अभी मैं खाना खाने के बाद सो जाऊंगा बाय बाय गाइस मैं जाएगा तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना जो बिल्कुल भी मत भूलना।